एषो पंच नमुकारो शब्द पाव प्रणाशनो मंगलानं च सब्बे सिंह परमयो मंगलम सुताती पारगो मंत्र विद्या विद्यो गणाधिप आर्य रक्षित सूरी सिये सद्धर्म रक्षक कल्याण श्रेणी कृत सूरी शासन से प्रभावक कल्याणाब्धि गणेशे विद्वज्जिरोमणि तपः संयमलीनात्मा पवित्रो मुनिनायकः गौतमाम्बुनिधि श्रेयस्तनोतु भविबोधरा शान्तप्राज्ञवरो वक्ता गच्छाधीश सुसंयमी शूरीश्वरो गुणाब्धि स्यात् संगवृद्ध्यै सदोद्यमी अचलगच्छ पाथोधि समुल्लासन चंद्रमा गुणोदयाब्धि सूरिस्तात् मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञान तिमिरांधानं ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे अर्धन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो अनंत उपकारी श्री जिन शासन के गगनांगण में कई ऐसे महापुरुष अनादि काल से होते रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा साधना करके जाति कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद देव निर्मित समोसर में विराजमान होकर के विश्व कल्याण कर ऐसे श्री जिन शासन की स्थापना करते हैं, चतुर्विशी संघ की स्थापना करते हैं। मगर वो शासन और संघ की स्थापना करने के बाद उसका संचालन वे स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि वो वितराग होते हैं। संचालन करने के लिए तो सारना वारणा चोड़ना परिचोड़ना सब करना पड़ता है। कोई बार बार भूल करता हो तो उसी को उसके प्रति लाल आँख भी कभी करनी पड़ती है, उपालम ठपका भी देना पड़ता है, और कभी शिक्षा वगैरह भी करनी पड़ती है, कभी दंड भी देना पड़ता है, कोई प्रायश्चित देना पड़ता है। तो वितराग परमात्मा वो नहीं करते हैं, इसीलिए शासन का संचालन करने की जिम्मेवारी वो गणधर भगवंत को सौंप देते हैं। और फिर वही परंपरा क्रमशः चली आती है। तो जैन शासन के ऐसे तो अनंत चौबीसियाँ हो गई, लेकिन वही वर्तमान चौबीसी में जिनका शासन अभी चल रहा है, ऐसे अनंत उपकारी श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी, उनके वैसे तो मुख्य शिष्य सबसे प्रथम शिष्य से अनंत लब्धि विधान श्री गौतम स्वामी गणधर भगवंत थे। मगर भगवान के 11 गणधरों में सबसे अधिक आयुष्य किनकी थी? सुधर्मा स्वामी जो पंचम गणधर थे, उनकी 100 वर्ष की आयु थी। बाकी सभी गणधरों की आयुष्य उनसे कम थी। इसलिए भगवान ने अपने ये संघ की जो संचालन करने की मुख्य जिम्मेवारी सुधर्मा स्वामी को सौंपी थी। बाकी के गणधर भगवान जब उनकी आयु समाप्त होने आई, तब अपना अपना जो गण समुदाय था
वो सुधर्मा स्वामी को सौंपते गए। ऐसी कितनी सरलता थी। ऐसा नहीं कि मैं अपने शिष्य को सौंप लूँ, उनको क्यों सौंपूँ, वो तो मेरा गुरु भाई है, ऐसा नहीं था। ऐसी महानता थी महापुरुषों में। तो सभी गणधरों ने अपना जो गण था विश्व समुदाय वो सुधर्मा स्वामी को सौंप लिया। इसीलिए पहले पाटे सुधर्मा स्वामी कहा जाता है, पहले पाटे गौतम स्वामी नहीं बोला जाता है। द्विजय पाटे जम्बू स्वामी, द्विजय पाटे प्रभव स्वामी, ऐसे करते करते शुरुआत के जो आठ आचार्य भगवान थे वो कैसे थे, शुद्ध केवली और युग प्रधान थे, देवता जिनको सानिध्य करते हैं, ऐसे विशिष्ट अतिशय संपन्न 14 पूर्व के पारगामी, समस्त द्वार स्वामी के कहो तो पारगामी, ऐसे शुद्ध केवली युग प्रधान आचार्य भगवंत हुए। उसके पीछे अनुक्रम से पट्टानुपट्टे करते 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 आगे शाखा प्रशाखाएँ भी होती गई। जैसे एक पिता के जो चार पुत्र हैं तो चारों का अलग अलग परिवार होता है, तो फिर आगे थोड़ा बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जिन शासन में वैसे तो भगवान महावीर स्वामी खुद स्वयं विद्यमान थे, तब भी उनके गणधर 11 और 9 गण थे। कितने? 9 गण। गण माने समुदाय, शिष्यों का समुदाय। जब संख्या बहुत बढ़ जाती है तो स्कूलों में और कॉलेजों में भी डिवीजन होते हैं ना, ABCD डिवीजन पालना पड़ते हैं व्यवस्था के लिए। तो इसी प्रकार से भगवान के इतने हजारों शिष्य, तो उन सबके सबको एक साथ वाचना देना, शास्त्रों का अध्ययन करवाना वो संभव नहीं होता था। इसीलिए व्यवस्था की दृष्टि से हम ये गणधर भगवंतों को अलग अलग गण बांट लिए गए। तो ऐसे 9 गण थे। गण माने गण कहो कि गच्छ कहो, अर्थ एक ही है। गण माने समुदाय, गच्छ माने भी समुदाय। तो गण अथवा गच्छ होना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आपस में खींचातानी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। तो ये बहुत महत्व की बात है। लेकिन ये पंचम काल चल रहा है, इसीलिए आगे चलते चलते कुछ शाखा प्रशाखाएँ होती गई, कुछ मत मतांतर होने गए। फिर कोई तीर्थंकर अथवा केवल ज्ञानी भगवंत नहीं था कि वो जिनका समाधान कोई दे सके। इसीलिए अलग अलग समाचारी को अनुसरने वाले अनेक गच्छ वगैरह होते गए। तो इसी प्रकार से आज से करीब 900 से कुछ अधिक साल पूर्व विक्रम संवत 1136 में जन्म हुआ था, जिनका श्रावण सुधी 9 अभी आ रही है, समझो कल ही आ रही है, कल ही जिनकी जन्मतिथि आ रही है। और यहाँ सबसे ऊपर जो फोटो लगी है वो आर्य रक्षित सूरी, हाँ भगवान। वो ये पंचम काल चल रहा है, अवसर्पिणी काल माने उत्तरता काल चल रहा है। इसीलिए धीरे 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 हमारे संग्रहण नबड़े हैं और हमारा मनोबल भी कमजोर है। इसी के कारण से धीरे धीरे कुछ शिथिलताएँ आती गई आचार पालन वगैरह में। तो इसीलिए कई ऐसे महापुरुषों को क्रियोद्धार करना पड़ा। जैसे मंदिर जीर्ण होता है तो जीर्णोद्धार बोलते हैं, ऐसे जिन शासन सुविध्य क्रिया मार्ग जो विधि मार्ग है उसमें जब शिथिलताएँ आती है तो कोई ऐसे विशिष्ट शक्ति संपन्न पुण्यशाली और एकदम सुशुद्ध चारित्र पालन करने वाले ऐसे कोई आचार्य भगवान पैदा होते हैं तो वो क्रियोद्धार करते हैं। इसी प्रकार से आर्यरक्षेश्वरी भी ने भी क्रियोद्धार किया। शुद्ध अन्न पानी नहीं मिल पाते थे तो उन्होंने पावागढ़ तीर्थ जो बड़ौदा गुजरात में है उसके पास में वहाँ जा कर के सागारिक अनशन किया। निर्दोष आहार पानी मिलेंगे जो साधु के लिए नहीं बनाए गए हो, और 42 दोष रहित ऐसे शुद्ध अन्न पानी मिलेगा तो ही मैं प्रार्थना करूँगा, नहीं तो आजीवन उपवास, ऐसा दृढ़ संकल्प करके भगवान के सामने आयोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। उस वक्त महावीर क्षेत्र में भगवान श्री मंदिर स्वामी को चक्रेश्वरी और महाकाली देवी ने भगवान को देशना सुनने के बाद भगवान को प्रश्न किया कि भगवान वर्तमान काल में व्रत क्षेत्र में पंचम काल में जहाँ कोई तीर्थंकर केवल ज्ञानी वगैरह नहीं है, ऐसे काल में भी शास्त्रानुसारी सुशुद्ध चारित्र मार्ग का पालन करने वाले कोई महापुरुष है? तो भगवान श्रीमंदर स्वामी ने ये आर्यरक्षेश्वरी जिन्होंने स्वेच्छा से आचार्य पद का भी एक बार त्याग कर लिया था लेकिन गुरु के आग्रह से उपाध्याय पद का स्वीकार किया, विजय चंद्र नाम भी चेंज कर लिया, विजय चंद्र उपाध्याय के रूप में सागारिक अनशन कर रहे हैं पावागढ़ तीर्थ के ऊपर। वो वर्तमान काल में सबसे श्रेष्ठ
सुविशुद्ध शास्त्र मार्ग का पालन करने वाले हैं, ऐसी उनकी अनुमोदना प्रशंसा सुन करके चक्रेश्वरी देवी महाकाली देवी अपनी दैवी लब्धि से तुरंत पावागढ़ तीर्थ पर आए, गुरु भगवान को वंदन किया और भी विनती की कि कृपा करके आप अभी आपका अनशन पूर्ण किएगा सागारी, क्योंकि कल ही भालेज गुजरात में भालेज नाम का देव सुमत के बड़ा शहर था, अभी तो छोटा सा गांव रह गया है, तो वहाँ से एक यशोधन नामे भंडशाली माने भानुशाली जिसको बोलते हैं जो बर्तनों का व्यापार करते हैं वो आएगा संग लेकर के, और उनके पास से आपको निर्दोष अन्न पानी मिलेंगे, आप ग्रहण करना पालना करना और आपके हाथ से भविष्य में ये जो यशोधन श्रावक जो आपका भक्त बनेगा उसके सहयोग से आपके द्वारा सुविहित शुद्ध शास्त्रानुसार की विधि मार्ग जिसको बोलते विधि पक्ष मार्ग वो शुरू होगा, इसलिए आप कृपा करके पालना कीजिएगा और हम भी आपके ये शासन की प्रियोद्धार में आपको हम सहाय बनेंगे। तो इस प्रकार से देवियों ने विनती की कि उन्होंने कौशल पूर्ण किया, दूसरे दिन उनका यशोधन भानशाली के वहाँ से निर्दोष पारणा हुआ, आगे चल करके उन्होंने विधि पक्ष गच्छ की, पहले वड़ गच्छ था, वड़ गच्छ माने एक वड़ का पेड़ बड़ा, उसके नीचे प्राय करके 12 कितने शिष्यों को आचार्य पर एक साथ दी गई थी, इसीलिए कृपागच्छ भी पहले सभी गच्छ पहले वड़ गच्छ के रूप में प्रख्यात थे, फिर धीरे धीरे नाम चेंज होते गए किसी की न किसी वजह से। तो विक्रम संवत 1169 में विधि पक्ष गच्छ की स्थापना हुई, जिसके बाद में दो नाम दूसरे पड़े अचल गच्छ और अंचल गच्छ, जैसे टोटल 3 नाम हुए। तो उसी विधि पक्ष गच्छ अचल गच्छ अंचल गच्छ की परंपरा में अनेक अनेक विशिष्ट कोटि के विद्वान और सुविशुद्ध संयमी चारित्र संपन्न और मंत्र सिद्ध ऐसे महापुरुष हुए, जैसे आर्य सूरी के पटदर थे कल्याण अपने जय सिंह सूरी, जिन्होंने 125,000 क्षत्रियों को प्रतिबोधित लेकर के जैन धर्मी बनाया था उस वक्त में, और करीब उनको कितने लाख से भी अधिक श्लोक तो कंठस्थ थे, ऐसे विद्वान और चारित्र संपन्न प्रतिभा संपन्न जय सिंह सूरी आपके पटदर थे। इस प्रकार से पटानुपटे क्रम से और अनेक 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 विशिष्ट कोटि के आचार्य भगवंत होते गए, जिसमें मंत्र प्रभावित मेरुतुम सूरी का नाम भी खास है, जिन्होंने जीरावल्ला पाशा भगवान का विशिष्ट स्तोत्र जो रचना की है, और भी जिनको सिद्ध सारस्वत ऐसे जय शेखर सूरी भी हुए कवि चक्रवर्ती, और अनेक राजाओं को प्रतिबोध देने वाले कल्याण सागर सूरी डाडा भी हुए, ये प्रधान ऐसे हास्य करे 400 वर्ष पूर्व हुए, और उनके पट्टानुपट्टे आगे चलते 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 फिर जो शिथिलता आती गई तो फिर क्रियोद्धार करने की जरूरत पड़ी, सभी गच्छों में ऐसे ऐसे महापुरुष आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने क्रियोद्धार किया अपने अपने गच्छ में। इसी प्रकार से अचल गच्छ विधिपति गच्छ में गौतम सागर सूरी डाडा ऐसे तो राजस्थान के पाली शहर के ब्राह्मण के पुत्र थे, शुरुआत में उस वक्त सब यति गोर्जी जब हो गए थे अधिकतर तो यति दीक्षाली, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, ये शिथिलता ठीक नहीं है, तो इन्होंने भी बहुत कष्ट सहन करके क्रियोद्धार किया, और खास करके कच्छ और हालार देश में बहुत पीछे गुजरात में तो कच्छ हालार देशोद्धारक के रूप में प्रख्यात हुए दादा साहेब जी गौतम सागर सूरी जी महाराज साहेब, उनके पटदर हुए जिनकी तस्वीर यहाँ पर लगी है, हमारे भी गुरु भगवान गुरुदेव हैं, राष्ट्र संत भारत निवाकर तीर्थ प्रभाव तपो निधि इत्यादि अनेक विशिष्ट विरूप से अलंकृत, और जो मुंबई से समय शिखर का करीब 1000 यात्रियों का संग लेकर के धुलिया यहाँ से होकर के पसार हुए थे, धुलिया में भी एक दिन का भी यहाँ पर स्थान था, तो ऐसे महाप्रशासन प्रभावक भारत दिवाकर राष्ट्र संत ऐसी उपाधियों से अलंकृत, और जिनकी प्रेरणा से कच्छ में 72 जिनालय की भी स्थापना हुई है, और भी अनेक समय शिखर में भी 20 जिनालय और धर्मशाला वगैरह का निर्माण हुआ है, अनेक जगह अंजनशाला का प्रतिष्ठाएँ रिक्शाएँ और अनेक छरीपाल एक संघ दरबार यात्रा वगैरह वगैरह अनेक अंधकार जिनके घर कमरों से हुए, ऐसे हमारे अनंत उपकारी गुरुदेशी गुणसागर सुरेश जी महाराज साहब और आपके प्रतापी पट्टधर हुए, जो जिन्होंने अपने जीवन में 54 वर्ष तक किया, इतना 54 वर्ष तक चालू था, और जिनकी जन्म तिथि भी अभी आ रही है नजदीक में 1 सितंबर को आ रही है भाद्रपद पूर्णिमा के दिन, जिनका अभी नजदीक नाम है
जिन शासन शिरोमणि वर्तमान में जिन शासन में जितने भी आचार्य हैं उसमें प्राय करके उनका पहला या दूसरा नंबर आता है। ऐसे जिन शासन शिरोमणि दम चक्र चक्रवर्ती कक्षाधिपति पद के ऊपर होते हुए भी जो प्रसंग श्री छत्र अनेक अनेक उपाधियों से अलंकृत दीक्षा दानेश्वरी लगभग 200 से भी अधिक साधु जिन्होंने मुमुक्षुओं को दीक्षा दी और साधु साध्वी जिनके करकमलों से बने ऐसे महाप्रतापी कक्षाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद गुणोदय सागर सूरी सचिव महाराज साहब जिनका जन्म आज से करीब 89 साल पहले कच्छ में कोटड़ा गांव में हुआ था, इसलिए कोटड़ा कोहिनूर के रूप में भी पहचाने जाते हैं। कोटड़ा गांव में से दो महापुरुष हुए, दूसरे आचार्य भगवान इनके जो कुलों में हुए दान सागर सूरी महाराज वो भी कोटड़ा गांव के थे। जैसे दो रक्त इस गांव ने रतन घट को समर्पित किए वैसे कोटड़ा में मातृ श्री सुंदर बहन और पिता श्री गणसी भाई के कुल में सुंदर भाई की खुशी में बासल गोत्र में आपका जन्म हुआ था भाद्रवा शुद्ध पूर्णिमा के दिन। और दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते बढ़ते जब युवान वय में प्राप्त हुए थे तब आपने वहाँ का जो शांतिनाथ भगवान का जिनालय है वहाँ पुजारी के रूप में उन्होंने सेवा की बहुत साल तक। और वहाँ कच्छ कोटला गांव में उस जमाने में एक वयोवृद्ध साध्वी श्रीवास थे, बहुत चारित्र संपन्न थे, जिनका नाम था सुसाध्वी श्री रूप श्री जी महाराज। उनकी प्रेरणा से उनके पास से लगभग सैकड़ों स्तवन 150 या उससे भी अधिक स्तवन आपका नाम उस वक्त था गोविंद जी भाई। क्या नाम था? सांसारिक नाम गोविंद जी भाई था। उन्होंने बैठे यहाँ पर भी गोविंद जी भाई बैठे हैं, तो आपका ही नाम राशि है भाई ख्याल करना। तो गोविंद जी भाई नाम था, पिताजी का नाम कृषि भाई था, वो भी गौ के ऊपर ही है, कुंभ राशि के ऊपर है। और आपने बहुत सालों तक वहाँ पर भगवान की पूजा सेवा आदि के लिए की। उस समय बीच में मेरे ख्याल से उनको कृमि का रोग भी हुआ था लेकिन उपचारों से ठीक हो गया। और साधु जी की प्रेरणा से सत्संग से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और चारित्र लेने की भावना हुई। और आपने चारित्र तैयार किया विक्रम संवत 2014 की विक्रम संवत साल में आपने दीक्षा अंगीकार की लालवाड़ी में दीक्षा अंगीकार थे मुंबई के अंदर। तो उनके साथ में दो मुमुक्षु बहनें भी थी जो बाद में कल कच्छ एक ही गांव के थे, कच्छ डौण गांव के थे, साध्वी श्री कल्पलतासी जी और साध्वी श्री आनंद प्रभासी जी। तो विक्रम संवत 2014 में आपकी दीक्षा हुई मुंबई लालवाड़ी अरे लालवाड़ी में हुई। और उस वक्त में साधु बहुत कम हो गए थे, आर्य रक्षित सूरी के जमाने में तो 2200 से अधिक तो साधु भगवान थे, कितने उपाध्याय भगवान और अनेक साधु जी वगैरह थे। लेकिन चढ़ाव उतार अप डाउन साधु संख्या बहुत कम हो गई थी। और जो भी थे वो भी वयोवृद्ध थे, चार पांच थे वो सब वयोवृद्ध ही थे। तो युवान साधु के रूप में तो समझो गोविंद जी भाई जिनका नाम मुनिराशी गुणोदय सागर जी रखा गया था, आपने कई सालों तक तो गुरु भगवान के बिल्कुल छाया की तरह साथ में रह करके अच्छी से अच्छी सेवा की और उसके द्वारा अद्भुत गुरु कृपा प्राप्त की। और आज से करीब 54 साल पहले तो कच्छ में गोधरा, जैसे पंचमहाल गोधरा भी गुजरात में है ऐसे कच्छ में भी गोधरा गांव है, वहाँ बड़े प्रभावशाली केसरी आदि आदिनाथ दादा विराजमान है। वहाँ गुरुदेव की प्रेरणा से आपने वर्षी तप का संकल्प किया, वहाँ से विहार करते हुए गुरुदेव श्री घोषागर श्री श्री महाराज साहब की जन्मभूमि दीक्षा भूमि जो कच्छ डेढ़िया गांव है जहाँ पर अभी तीर्थ बना है कवि शिखरावतार आचार्य श्री कला प्रसाद श्री महाराज की प्रेरणा से बना हुआ है। तो वहाँ गए तो वहाँ भी भूल जाए कुछ जब आदिनाथ भगवान थे, गोधरा में भी आदिनाथ, पिछली आदिनाथ डेढ़िया में भी आदिनाथ। तो जिन आदिनाथ भगवान के 400 उपवास हो गए थे से तो उनकी स्मृति के रूप में और गुरुदेव की प्रेरणा से आपने वर्षी तप का मंगल प्रारंभ किया। ऐसा कोई अच्छा समय होगा यहाँ की वो वर्षी तप चलता ही रहा, चलती रहा 1, 2, 3, 4 उग्र व्याज हमारी जब दीक्षा हुई ना समय 2021 में उनको मालूम है रोज के 3-3 व्याज होते थे राजस्थान की और बहुत सालों के बाद व्याज हुआ। लंबा 15-17 दिन रविवार में थे, एक गांव में नौकाशी थी, नौकाशी के बाद तुरंत विहार कर हुए
दूसरे गांव वहाँ दोपहर के आम वगैरह बैठन आदि हुआ, फिर वहाँ से शाम को और आगे दिया, ट्रिपल दिया, कई बार होते थे। ऐसी गर्मी के दिनों में कि आपने वसी बनाने गुरु की ऐसी कृपा प्राप्त की थी कि उग्र विहार होते थे। फिर तो जो हमारी रिक्शा हुई ना, मेरा तमाशा कच्छ में, दूसरा सीधा बाड़मेर, बाड़मेर से तीसरा कच्छ में कोठारा, चौथा हुआ मुंबई। इसी प्रकार इतने लंबे लंबे विहार होते थे, फिर भी गुरु कृपा से आपने वर्षी तक अखंड चालू रहे। मेरे ख्याल से एकाध वर्ष तक बीच में कोई तबियत के कारण से हुआ था, लेकिन फिर आगे ही चालू ही रखा। तो ऐसे करते करते अभी 54वां वर्षी तक चालू था। 54 दक्षाधिपति होते हुए भी हाँ, इतने 310 जितने साधु साधवी, उनकी भी जिम्मेदारी, साथ में लगभग लाख से भी अधिक साधिक साधिकाएं इस गज के अंदर वर्तमान में, इतने सारे समूह के साधु साधिकाओं का नेतृत्व करते हुए भी आपने वर्षी तक अखंड रूप से चालू रखा था। और पिछले एकाध महीने से तबीयत साधारण थोड़ी सी नरम देखनी, ज़्यादा भी बड़ी कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी। उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ी कमजोरी वगैरह महसूस होता था, कभी रुचि कम हो जाती थी ऐसा, लेकिन आपने वर्षित को चालू ही रखा। आपको कई बार शिष्य वगैरह विनती भी करते, कोई भक्त भी विनती करते, साहब आपकी इतनी बड़ी उम्र है, इतनी जिम्मेवारी है, तो आप अभी वर्षित कृपा करके पेंडिंग रखें तो अच्छा। आपने कहा अगर आप चाहते हैं कि गुरुदेव भी यही कहते थे, आपके भी 8 वर्ष तक पिछली उम्र में लगातार 8 वर्ष तक चालू थे, 50 साल से करीब आसपास तो एकासन चालू थे, और लास्ट 8 वर्ष में तो वर्षित चालू थे। उनको भी जब भक्त लोग विनती करते थे, वही भी यही जवाब देते कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अधिक जीऊँ, यही आप चाहते हैं ना, तो मेहरबानी करके मुझे ये वर्षित की तपस्या छोड़ने का बिल्कुल आग्रह करिएगा नहीं। तब से ही कर्म की जिज्ञासा तो होती है, आत्मशुद्धि तो होती है, साथ में शरीर में जो भी रोग वगैरह होने की संभावना वो भी कम हो जाती है, दूर हो जाती है। इसीलिए आप मुझे वर्षित छोड़ने का कभी कहना नहीं, ऐसे मतलब दृढ़ मनोबल वाले थे। और आपके कर कमलों से 200 से भी अधिक मुमुक्षुओं की दीक्षा हुई। आपकी प्रेरणा से गुरु गुणसागर सरस्वती जी महाराज साहब की प्रेरणा से कच्छ में 57 अवतार बहुत जिनालय उनका प्रारंभ हुआ, लेकिन आप उस वक्त मुंबई में थे और तुरंत कच्छ जा नहीं सकते थे, तो आपने गुणोदय सागर सुनी महाराज को आज्ञा दी कि आपको एक खातमूलक शिलान्यास गृह में निश्चय देनी है। इस प्रकार से खातमूलक शिलान्यास में भी निश्चय आपने दी। आगे चल करके जब बौद्ध जिलाए तैयार हो गया था, लेकिन उससे पूर्व ही गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए वो तीर्थ की प्रतीक्षा करने का भी अवसर आपके कर्म कमलों से हुआ। जैसे बौद्ध जिनाए वीर कच्छ में विक्रम संवत 2001 में से 2001 में भूकंप हुआ था, भारी भूकंप, उस वक्त भद्रेश्वर तीर्थ को भी बहुत नुकसान हुआ था, तो उसका भी जीर्णोद्धार भी 8 साल पहले जो हुआ, वो भी आपकी मुख्य प्रेरणा से अनेक दाताओं ने भी दान दिया, और आप पुनः प्रतिष्ठा भी आपके कर्कमल से हुई। पूरा भद्रेश्वर तीर्थ एकदम नवे नवीन बन गया, और उसकी प्रतिष्ठा भी आपके कर्कमलों से हुई। उसी प्रकार कच्छ रेडिया के अंदर समय शिखरावतार जो तीर्थ बनाया, उसकी प्रतिष्ठा भी आपके कर्कमलों से हुई। मुंबई में हरिक बाजार में अनंतनाग तीर्थ जो जीर्णोद्धार होकर 24 जिनालय बन गया, उनकी प्रतिष्ठा भी आपके कर्कमलों से हुई है। ऐसे अनेक अनेक छोटे बड़े जिनालयों की तीर्थों की प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, अंजन सदा कायम, और 99 यात्रा पालिकाना की, गिरनार की 99 यात्रा, कतरमा सबने निष्ठा, पालिकाना भी चतुर्दशी के रूप में भी आपकी निष्ठा थी। अनेक जगह पे अनेक प्रकार के उद्यान हुए। अभी पंचकीर्ति में साधारण तीर्थ उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसकी निष्ठा भी आपके कर्मों से हुई। इस प्रकार से अनेक तीर्थ और मंदिरों का जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, अंजनशला का वगैरह आपके कर्मों से हुई। आपका एक विशिष्ट इतना पुण्य प्रभाव था, बोलते बहुत कम मित्रभाषी, उनका एक विशिष्ट विशेष तो मित्रभाषी, एक शब्द से अगर इशारे से हो जाता है तो शब्द प्रयोग भी नहीं करना, एक शब्द से काम चल जाता है तो दो शब्द या वाक्य भी नहीं बोलना, इतने मित्रभाषी। क्योंकि साधु का एक विशेषण है वाचम यम, जो अपन वाच माने वाणी को,
नियंत्रित कर सके। भाषा समिति और वचन मुक्ति का पालन करता है वो साधु है। तो आप इतने मित्रवासी होते हुए भी आपको कोई इतनी शासन प्रभावना हुई, आपको इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी है, वो सब शिष्य प्रशिष्य संभाल लेते थे। आपकी केवल निष्ठा और आशीर्वाद ये पर्याप्त था। कितना उनका पुण्य प्रभाव था। और दाता भी बड़े बड़े दाता सहज रूप से हो जाते थे, ज्यादा कोई प्रेरणा करनी नहीं पड़ती थी। अधिक तो शिष्य साहब के नाम से बात करते और वो आशीर्वाद से काम हो जाता था। एक एक दाता जिदाई देखो धर्मशाला मेरी ओर से, भोजनशाला मेरी ओर से, मंदिर या पूरा मंदिर भी मेरी ओर से। सोनगढ़ में पालीताना से थोड़ा आगे बल्लभी के बाद जो सोनगढ़ आता है वहाँ पर भी आपके शिष्य प्रशिष्य की प्रेरणा से समझो बड़ा धाम तीर्थ पदा बन गया है बड़ा स्वामी। एक एक व्यक्ति रचनालय धर्मशाला भोजनशाला उपाशय वगैरह का लाभ लिया है। उसी प्रकार से वर्तमान में पालीताना में भी गुणोदय पूरम आपके शिष्य प्रशिष्य की प्रेरणा से आपके वर्तमान में अभी शिष्य है वीरभद्र सागर सुरेश जी महाराज साहब और उनके शिष्य हैं राजरत्न सागर जी महाराज साहब और भी आपके शिष्य हैं प्रियंकर सागर जी महाराज साहब। इन सभी की प्रेरणा से भाग्योदय सागर जी वगैरह भी हैं। तो आपकी शिष्य प्रशिष्यों की प्रेरणा से ही ये दो बड़े बड़े नाम गुरुदेव के नाम से गुणोदय धाम गुणोदय पूरम गुणोदय पूरम का भी तो विकास चालू ही है उत्तरोत्तर। या भविष्य में समझोगे गुरुकुल या बोर्डिंग की एक शिविर विद्यार्थियों के लिए अभ्यास की व्यवस्था भी होने वाली है। वयोवृद्ध साधु साधी भगवंतों के निर्वास की भी व्यवस्था है और वयोवृद्ध श्रावक शालिकाओं के लिए भी आराधना करने की व्यवस्था वहाँ होने जा रही है। इस प्रकार से हमारा संकुल विकास विकसित हो रहा है। ऐसे ऐसे अनेक शासन प्रभावना के कार्य आपके केवल आशीर्वाद हमी दृष्टि से होते रहे। आपको उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है, इतना आपका पुण्य प्रभाव था। और इतनी जैव वय में भी आपने पिछले मेरे ख्याल से 15 साल से ही व्हीलचेयर का उपयोग शुरू हुआ। इससे पहले आप करीब 74 साल की उम्र तक तो आप पैदल पाद विहारी करते थे और बीच में कभी सीरियस तबीयत भी हो गई थी तो भी कभी उन्होंने वो गाड़ी में कभी वो नहीं बैठे, इतने वो संयम के बहुत चुस्त थे। और आपका भी आप देख सकते हैं चेहरा देखो कितना प्रसन्न चित्त प्रसन्न और तेजस्वी मुख मुद्रा है आपकी। तो ऐसे बहुत ही प्रशांत मुख मुद्रा थी और तेज भी नहीं, तो इतनी उग्र तपस्या होती है तो शरीर थोड़ा दुबला पतला हो सकता है, लेकिन आपका ऐसा पुण्य कोई था इतनी विशिष्ट तपस्या करने के बावजूद भी आपका शरीर हमेशा एकदम दिखाव में भी एकदम तंदुरुस्त और तेजस्वी पृष्ट पुष्ट शरीर रहा। तो ऐसे गुरुदेव हमारे अनंत उपकारी हमको आचार्य पंजी भी आपके कर कमलों से हुई। आज से 3.5 साल पहले पालीताना के अंदर इन तीनों की साथ में हुई आचार्य पदवी, वो भी आपके कर कमलों से हुई। और 2 दिन पहले 3 या 4 दिन पहले तो हमारी कृपा से थोड़ी बात भी हुई थी, ज़्यादा नहीं बोलते थे लेकिन मध्याह्न वंदना हमी बोला, बाकी जो जरूरी थोड़ी बात थी वो उनके शिष्य अथवा साथ में बिपिन भाई उनके खास जिन्होंने बहुत सेवा की, प्रियंकर सागर जी महाराज के बड़े भाई संसार पक्ष में जो हैं बिपिन भाई, जैसे राम के भक्त हनुमान थे ऐसे समझो कि आचार्य भगवान के अनन्य भक्त थे। हम कई बार बात करते हैं तो होती है कि आचार्य भगवंत सबसे नजदीक में सबसे अधिक में अधिक कृपा पात्र कौन होगा, तो शिष्य प्रशिष्य भी बाद में ये जो बिपिन भाई बहुत सारा उनका व्यवहार सब संभाल देते और अच्छी तरह एकदम हर प्रकार से सेवा करते थे इतने सालों से और उनके भाई प्रियंकर सागर जी वो साधु के रूप में जब उनकी व्यवस्था संभालते थे बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन होते थे उस वक्त ये दो भाई मिल करके मुख्य रूप से सब करते थे, साथ में दूसरे भी महात्मा बने थे। तो ऐसे गुरुदेव का मैंने 26 तारीख की रात को 12 बजे को तारीख बदल जाते तो 27 तारीख कह सकते हैं रात को मैंने शाम को पारणा था तो पारणा भी किया वर्षक का, ऐसे तो आहार बहुत अल्प हो गया था लेकिन पारणा किया
फिर प्रतिक्रमण भी सभी शिष्यों के साथ में बैठ करके सभी प्लेट लेके बैठ करके प्रतिक्रमण भी किया, और प्रतिक्रमण के बाद शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी पंचम की सेवा का लाभ लिया, उन सभी को भी आशीर्वाद दिया और फिर सब संसार गए थे। करीब रात को 12:15 बजे आपको थोड़ा बेचैनी सा महसूस हुआ ऐसा, अथवा सांस खुल गई थी, तो किसी को ख्याल में आया, शिष्य को जाग गए, दूसरों को जगाया, देखो तो भाई गुरुदेव की सांस ऐसी क्यों बड़ी आवाज़ से चल रही है, क्या बात है। तात्कालिक भी निर्णय लिया गया और डॉक्टर की भी सहाय ली गई, लेकिन आखिर ऐसी कल्पना नहीं थी इतने जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन आयुष्य कम पड़ा थोड़ा। और रात को करीब 1:15 बजे अथवा 1:28 भी कोई कहते हैं, तो आपके एकदम समाधि पूर्ण सब नवकार महामंत्र की धुन चालू थी, शिष्य वगैरह सब हाजिर थे उस वक्त, और अनंत की यात्रा में आपने प्रयाण किया। वर्तमान में जिन शासन शिरोमणि भी आप कहे जाते थे, जिन शासन को हमारे अचल गच्छ को और हमारे पूरे समाज को सचमुच में अपूर्णीय क्षति हुई है, ऐसे महापुरुष जल्दी होते नहीं है। भले अभी आपका जो अग्नि संस्कार हुआ उससे पहले ऐसी एक शास्त्रीय परंपरा है कि कोई आज गच्छनायक आचार्य वृद्ध होते हैं, उनका आयुष्य पूर्ण होता है, उसका अग्नि संस्कार बाद में होगा, उससे पहले अभी गच्छनायक कौन, गच्छ की जिम्मेदारी कौन संभालेंगे, या तो अपने जीवन काल में अगर किसी को सौंप देते कह देते हैं तो होता है, नहीं तो फिर संघ भी निर्णय ले सकता है। तो ऐसे कच्छ में बहुत जिला में आप सभी ने शायद किसी ने देखा भी होगा, लाइव भी प्रोग्राम भी हो रहा था, तो वर्तमान में आपके बाद हमारे सभी साधुओं में जिनका दूसरा नंबर अभी आता था, अभी तो यहाँ पर विराजमान है कला प्रसागेश्वरी आचार्य भगवान, बड़े ही शासन प्रभावक हैं, छोटी उम्र में हमसे 9 महीना उम्र में कई केवल छोटे हैं, लेकिन 36 साल की उम्र में तो आपकी आचार्य पदी हो गई थी, दंताणी तीर्थ में झीरावाला पाठ पास में गुरुदेव श्री गुणसागर सुरेश्वरी महाराज साहब के हाथ से एक ही साल में उपाध्याय पदवी छात्र लिया और फिर आचार्य पदवी भी दंताणी तीर्थ में लिया, और उन कद छोटा है शरीर का, लेकिन अनेक विराट कार्य करते हैं, साहित्य सम्राट के रूप में भी आप, साहित्य दिवाकर के रूप में भी आप पहचाने जाते हैं, और आपके हाथ से भी अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार, तीर्थों की स्थापना, दंताणी तीर्थ का जीर्णोद्धार भी आपकी प्रेरणा से हुआ है, अच्छी एरिया में समेत सिखा हुआ तीर्थ की वो भी उसका भी प्रेरणा आपकी प्रेरणा से हुआ है, और भी अभी भालेज में जहाँ विधि पक्ष की स्थापना हुई ना, तो उसके आसपास में अभी वहीं ले गई आपकी प्रेरणा से, वह भी विहार धाम जैसा तीर्थधाम जैसा बनेगा, और राम राजस्थान में राम जी की गोल बाड़मेर के पास में राम जी की गोल चार रास्ते जा इकट्ठे होते हैं, इस मौके के स्थान पर आपकी प्रेरणा से विहार धाम बना है, कई जगह ज्ञान भंडार वगैरह का जीर्णोद्धार भी आपकी कथनों से हुआ है, ऐसे अनेक विध शासन की प्रवृत्तियाँ निरंतर अप्रमत्त रूप से कार्य करते ही रहते हैं, तो ऐसे समर्थ अनुगामी आपकी पुण्य प्रभाव से मिल गए हैं, तो वहाँ अखिल भारतीय संघ के अग्रणी चार्टर्ड प्लेन से कच्छ में पहुँच गए थे, रवि भाई संगोई, अचल गज के उपप्रमुख जो हेमचंद भाई, और भी कई कई गणमान्य जो संघ मान्य बड़े बड़े व्यक्ति थे, आपके खास भक्त थे, वो सब वहाँ पहुँच गए थे, और उन सबकी उपस्थिति में अचल गज के उपप्रमुख वहाँ पर जो विद्यमान थे हेमचंद भाई, उन्होंने अपने मुख से जाहिरात की, मुनिया से प्रियंकर सागर जी ने भी पहले उद्बोधन किया, बाद में हेमचंद भाई ने भी जाहिरात की कि आपके अनुगामी के रूप में अभी से आचार्य भगवान से कला सागर सूरी सजी महाराज को हम गच्छ नायक के रूप में आज आपकी आशीर्वाद से उद्घोषित करते हैं, उनकी तस्वीर भी रखी गया पालकी के अंदर, और वासव से सजी ने डाला, और मुंबई में मुरुन में ठाकुरमा सभी हैं, मुरुन ईस्ट में वहाँ शिष्यों ने भी उनके मस्तक के ऊपर डाला ही होगा वासक से वगैरह, इस प्रकार से गच्छाधिपति पद भले अभी कुछ दिन के बाद लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में गच्छ की संचालन की जिम्मेदारी और अचल गच्छ नायक के रूप में आपको यानी कि कला सागरी आचार्य पद को घोषित किया गया है, तो ऐसे महापुरुष को कभी कभार ही होते हैं सचमुच में, हमको कहते हैं ना कि यूँ तो जीने के लिए सभी जिया करते हैं, यूँ तो जीने के लिए सभी जिया करते हैं, लेकिन
त्रिविजया करते हैं। मरने से पहले मरते हैं हजार, मरने से पहले मरते हैं हजार, जिंदे हैं लेकिन ऐसे मरे जैसे मुर्गा जैसे, लेकिन जीवन उसका है जो मर करके भी जिया करते हैं। मरने के बाद भी सैकड़ों हजारों सालों तक उनके गुणों के कारण से और समाज के ऊपर जो उन्होंने उपकार किया हो उसके कारण से अनेक भक्त वर्ग उनको याद करता रहे, ऐसे ये महापुरुष हो गए। तो अभी शास्त्रीय परंपरा के रूप में देववंदन करना चाहिए, लेकिन कल क्या था, जनता कर्फ्यू था, इसीलिए हमने तो यहाँ पर समूह में कर लिया, लेकिन सकल संघ के रूप में कल नहीं कर पाए, तो आज अभी हमने देववंदन किया है। तो आपकी आत्मा तो जान ली होगी, सदगति में ही गई होगी निश्चित रूप से, और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी हो हम सभी के ऊपर, सकल संघ के ऊपर आपके आशीर्वाद बरसाते रहें, और जल्दी से जल्दी अल्प भाव में आप परम सिद्धि को, परम मुक्ति गति को प्राप्त करते रहें, और आपके जीवन में जो अनेक गुण थे उनमें से थोड़े से गुण भी हमारे जीवन में आए, हम भी आपकी तरह, आपने जितनी नहीं कर पाएंगे लेकिन आपकी तरह तपस्या में आगे बढ़ सकें, हम भी आपकी तरह मित्रवासी बने, हम भी आपकी तरह शांत मूर्ति बने, तो ऐसी कृपा सतल शक्ति को बरसाएँ, ऐसी हम आपको भी प्रार्थना करते हैं। और आपकी जन्मतिथि जो अभी आ रही है 1 सितंबर को यहाँ पर गुणानुवाद जो आज अपनी कर लिया है, एक उस दिन एक तो समूह आंदोलन करवाए जाएंगे, 1 सितंबर को आपके जन्म के उपलक्ष्य में समूह आंदोलन करवाए जाएंगे, और विविध बातें जिनको भी लाभ लेना हो उनके तपस्या की अनुमोदना करने का प्रभावना के द्वारा वो सभी पीढ़ी में या हमारे खास वो नाम लिखवा सकेंगे, ठीक है। और उस दिन समूह सामायिक करवाया जाएगा, 1 सितंबर याद रखना, 1 सितंबर को समूह सामायिक किया होगा, और साथ में हम भाष्य जाप करवाएंगे, नवकार महामंत्र और साथ में और भी ऐसे विशिष्ट सात्विक मंत्र, उनका भाष्य तालबद्ध जाप आपकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में करवाएंगे। तो संवत्सरी के करीब 10 दिन बाद, संवत्सरी के 10 दिन बाद होगा, तो फिर से जाहिरात की गई, बोर्ड के ऊपर भी लिखा जाएगा, तो आप सभी उस वक्त भी अच्छी संख्या में जुड़े। अभी जो सब वातावरण थोड़ा है महामारी का, इसीलिए संख्या थोड़ी लिमिटेड हो रही है, फिर भी आप लोग आए इतनी संख्या में और पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह आप सबने भाग लिया, इसके लिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। दिनाकर कुछ भी बोले कुछ कहता है बोलने का रास्ता मिलता जो दिनाकर बोला गया आज के दीक्षा निर्ग्रहण। अभी चावकों में से गोविंद जी भाई जो साथ के अनेक भक्तों में एक विशिष्ट भक्त हैं, जैसे तो करीब करीब मुख्य मुख्य जो मुद्दे थे वो तो मैंने बोल दिया है, उनके लिए कुछ ज़्यादा रखा नहीं है और समय भी नहीं है, फिर भी 2-4 मिनट के लिए गोविंद जी भाई सोनी आपके उद्गार व्यक्त करेंगे, और फिर विनू भाई भी दो शब्द बोलेंगे। दुनिया में विदाई ली,
एक दो बात रह गई है कहने की, आपके विशिष्ट भक्त अगला चतुर्मास आपने एक छोटे से गांव में किया था, बिल्कुल छोटा गांव, जहाँ वर्तमान में ऐसे शेष काल में जाओ तो मुश्किल से 3-4-5 गली फुटबॉल के लेनों के बिकेंगे, और ऐसे भी छोटा नाना रतड़िया गांव, गाँव भी नाना मैंने छोटा रतड़िया, लेकिन आपके विशिष्ट भक्त जो चालक के वहाँ के एक तो ठाकर सिंह भाई, दूसरे हेमचंद भाई जो वर्तमान काल में अचल गज के प्रमुख भी हैं, उनके भावना और उनका आग्रह मुझे देख करके आपने चतुर्मास किया, बहुत भव्य चतुर्मास हुआ। और उन्होंने एक विशिष्ट जाहिरात की थी कि शेष काल में जब आपका मंदिर की ध्वजा का प्रसंग आएगा नाना रतड़िया में, वो जेठ महीने में आता था, उस वक्त पूरा एक तो कच्छ के 52-45 गांव कहे जाते हैं और साथ में वागड़ भी, सब मिला सभी गांवों में एक साथ 18 अभिषेक का आयोजन, उसका पूरा लाभ एक ही परिवार हेमचंद भाई गुरुजी परिवार लेने वाले थे, और साथ में एक पूरे कच्छ की बृहद कच्छ जिसको कह सके, इसमें सब टोटल अबड़ासा तालुका आ जाए, मांडवी मुद्रा अंजार भुज और वागड़ रापर वगैरह सभी तालुका के सभी गांवों के जितने भी जैन हो सभी की साजन साड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, साजन साड़ी साधारण भक्ति समझ लो, सभी को अपने गांव में बुलाने का आने जाने का खर्च भी एक ही पार्टी उनके भक्त लेने वाले थे, और भोजन का साधारण भक्ति का आयोजन वो जाहिर हो चुका था, लेकिन ये कुदरत को जो मंजूर था सभी के ये कोरोना के कारण से वो अभी मुलत नहीं रहा था, तो भविष्य में होने करने की उनकी भावना तो है अभी भी है, लेकिन उन्होंने जाहिरात तो करी थी, तैयारी बहुत हो चुकी थी लेकिन वो वक्त रह गया। और दूसरा एक मुद्दा, पिछले कितने सालों से आपकी भादरवा पूर्णिमा आती थी, जन्मदिन मनाया जाता था, कहीं करीब 3 बार ऐसे हुआ कि भक्तों के बहुत ही आग्रह और भावना से उनकी रजत किला हुई, यानी उनके शरीर का वजन के बराबर चांदी, और फिर वो सत्कार्यों में इसका सदगे हो, इस प्रकार के 3 बार आयोजन भक्त लोगों ने किया था, ऐसे ऐसे विशिष्ट बातें हैं सर। अभी मीनू भाई दो शब्द कोई बात नहीं, आपके आपके भक्तों के बिना सभा अधूरी लगती है, रोज तो है नहीं थे, कभी कभी बुलाया है, रोज तो व्याख्यान है नहीं, बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। सकल संघ उपस्थित भाग्यशाली मानव प्रिय संघ, हमें चतुर्मास विराजमान पूज्यपाद आचार्य भगवान महोदय श्री स्वरूपी सागर महाराज साहेब ना गुरुदेव जी महोदय सागर श्री स्वरूपी ऐसे गुरु भाई बने हैं, लेकिन गुरु तो ले ही है, ऐसे गुरु भाई भी हैं और गुरु कहो तो अभी तो वही है बंधु जी, समय से तो जैन शासन ना गुणों की भरे लेवा गुरुदेव सागर श्री महाराज, गुरुदेव हमें कीधु 72 दिनाली के प्रतिष्ठा जिमना चार कमलों द्वारा थी त्याज એમનું આ સરકાર સરકારોહણ થયું, આ પણ એક યોગાત્મક છે, શાસનના ઘણા ધુરંધર આચાર્ય ભગવાન થઈ ગયા, બધો જ વર્ણન ગુરુદેવે કર્યું છે, વધારે કહેવાની જરૂર નથી, પણ હવે ગુરુદેવ કહે છે કે એટલું જ કહેવાનું હોય છે, ગજુ નથી માનું એવું કહે આ જુબાન, ગજુ નથી મારું એવું કહે આ જુબાન, એમ કરી ગાઉં ગુરુવર તમા સમય છે, ઘણું કહેવાનું હોય છે પણ સમય સમયનું કામ કરે છે, આપણે આજને દિવસે એટલું જ કરીએ કે આવા મહાન ગુરુદેવ ખરેખર શાસનની ઘણી મોટી જેને કહેવાય શક્તિ છે, પણ હવે એમના ઉત્તરાધિકારી ગચ્છનાયક તરીકે
घोषणा थी चुकी है। समस्त आचार्य संघ आज इमना प्रेरणा थी इमना द्वारा इमना मार्गदर्शन द्वारा खूब आगळ वधे। अने आ तो पेला बधी वात थी गई है कि दुनियाना पुण्य है कि प्रथमवार आपणे चातुर्मास लाभ मळ्यो छे। वधारे कंई कहेवानी जरूर नथी। खूब तो अमारा तरफथी समस्त दुनिया संघ तरफथी आपणे पूज्यपाद गुरुदेव ने आजना आ दिवसे इमने श्रद्धांजलि रूपे इमने अर्पण करेली। और एक दो बात आ गई, आपका चातुर्मास ऐसे तो अलिताना होने वाला था। इस साल चातुर्मास अलिताना होना संपत्ति से तैयार हो गए थे, लेकिन ये परिस्थिति के कारण फिर कच्छ में मध्य जिनाले के जो मैनेजिंग रवि भाई शंभोई वगैरह ने आपको बहुत भाव भरी आग्रह भरी उनकी थी कि आप इस मध्य जिनाले की प्रतीक्षा को 25 साल हुआ है, 25वां साल चल रहा है सिल्वर जुबली, तो आप कृपा करके इस वक्त इस साल मध्य जिनालय को ही लाभ लिए। भगवान महावीर स्वामी के राजगुरु नगरी में कितने चातुर्मास हुए थे मालूम है किसी को? देखिए राजगुरु नगरी में 14 चातुर्मास हुए थे। आपका भी ये 14वां चातुर्मास मध्य जिनालय में था। उससे पहले अंतर अंतर से 13 चातुर्मास हो चुके थे और ये 14वां चातुर्मास चल रहा था। ये भी एक योगान योग है। और आपके अग्नि संस्कार का जो लाभ अपने पति ने देखा और सुना होगा, 2 करोड़ में दो लिया गया, 10 परिवार संघ और व्यक्ति मिलकर के ऐसे दिया गया है। एक तो जन्मभूमि कोट अच्छे कोटला गांव है, तो एक वो है उसके पास में जो डिशीसा है वो भी अपने वहाँ चतुर्मास किया है, वहाँ सब मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा करवाया, उसका भी करवाई दो चतुर्मास भी हुए, तो वो संघ भी साथ में है और अलग 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 8 भक्त परिवार टोटल मिल करके 10 नाम है उसमें, वो 2 करोड़ में जो अग्नि संस्कार हुआ। साथ में आपके जो संसारी परिवार में भी जो भी भाई वगैरह हैं भक्ति वगैरह उनको भी लाभ किया गया, ऐसे बिना चढ़ा जैसे कि आप भी साथ में आओ और अग्नि संस्कार में आप भी हिस्सा लो, इस प्रकार से हुआ। करीब 12 या 17 जितनी गजाएँ उनकी भी गोलियाँ कल सब हो गई थी, मतलब टोटल कुल मिलाकर के करीब 2.5 के आसपास कबाट के आसपास इतना अच्छा। आज भी आज अष्टमी है, बरोबर है, दोनों की अष्टमी है, तो आज के दिन का क्या महात्म्य है? हाँ, भूषा दानी और कलिकाल कलुतरु पार्षदा भगवान का मोक्ष कल्याण है। समय शिखर से पहाड़ के ऊपर से आशक श्रमण करके आप मोक्ष में पधारे। समय शिखर पहाड़ जो है वो पारसनाथ पहाड़ के रूप में प्रसिद्ध है, तो उनका भी जाप और ओम ऋषि पारसनाथ पारंगताय नमः, इसका आप जाप भी करने का लक्ष्य है। उपवास